नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है जब इंटीमेट सीन शूट करने के दौरान बॉलीवुड के कई एक्टर बहक गए और उन्होंने अपनी को स्टार के साथ गलत व्यवहार किया। सिनेमा इतिहास में इस तरह के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का नाम भी उन्हीं सितारों के साथ लिया जाता है जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। 1988 में रिलीज हुई फिल्म दीवान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच किसिंग सीन फिल्माया जा रहा था। इसी दौरान विनोद खन्ना बेकाबू हो गए और उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों पर काट लिया। विनोद खन्ना माधुरी दीक्षित से 20 साल बड़े थे। काफ़ी सोचने के बाद माधुरी उनके साथ इंटीमेट सीन करने को तैयार हुई थी लेकिन उनकी एक हरकत से वो असहज हो गई थी। माधुरी ने बाद में सीन का राज खुद खोला था। उन्होंने बताया था कि सीन को शूटिंग करने के लिए वह बहुत नर्वस थी। हालांकि नर्वस विनोद खन्ना भी थे लेकिन वह बहक गए और किस करते हुए उनको काट लिया। हालांकि बाद में विनोद खन्ना ने माफ़ी मांगी थी। माधुरी दीक्षित आज भी इस सीन के लिए अफसोस करती है। सीन शूट होने के बाद माधुरी दीक्षित ने डायरेक्टर से इसे हटवाने की मांग भी की थी लेकिन वो नई नई आई थी तो डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना की। उसके बाद कम ही बार माधुरी दीक्षित ने इंटीमेट सीन दिए हैं।